प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अनाज की यानी कि फसलों की 109 वैरायटी जारी की थी, 109 किस्में जारी की थी। आज उन्हीं पर बात करते हैं, जिसमें से गेहूं की भी एक वैरायटी थी। जैसा क्यों क्यों कहा जा रहा है कि वेस्ट और साउथ में ये वैरायटी जो है गेहूं का विस्तार करेगी और एक तीर से कई निशाने सरकार ने साधे हैं, इस पर आज बात करते हैं। पीएम मोदी ने बीते दिनों रविवार यानी 11 अगस्त को फसलों की 109 नई किस्में जारी की हैं। इन 109 किस्मों में से दो किस्में गेहूं की हैं, जिसमें से एक किस्म का नाम पूसा गेहूं सरबती, इसको 1665 नाम दिया गया है। गेहूं की इस किस्म को आईसीएआर क्षेत्रीय केंद्र इंदौर ने विकसित किया है। बेशक गेहूं की ये किस्म जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, लेकिन इस किस्म के साथ मोदी सरकार ने वेस्ट और साउथ इंडिया में गेहूं के विस्तार की नई पटकथा लिख दी है। अगर इस पूरे मामले को गंभीरता से समझें तो मोदी सरकार ने पूसा गेहूं सरबती HI 1665 किस्म से पश्चिम और दक्षिण भारत में गेहूं के विस्तार के साथ ही एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश भी की है। आज की बात इसी पर जानेंगे कि गेहूं की इस किस्म में क्या खास है, क्यों इस किस्म को दक्षिण भारत में गेहूं के विस्तार का कारण माना जा रहा है, और क्यों कहा जा रहा है कि गेहूं की इस किस्म के जरिए सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की इस किस्म में क्या खास है। पीएम मोदी ने 109 नई किस्में जारी की हैं, जिसमें से दो किस्में गेहूं की हैं। यहाँ पर हम पूसा गेहूं सरबती HI 1665 की बात कर रहे हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये 110 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है, जो प्रति हेक्टेयर 33 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। इसे अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं है, तो वहीं अधिक गर्मी और सूखा झेलने में ये किस्म सक्षम है। पूसा गेहूं सरबती HI 1665 किस्म की विशेषता इसके बेहतर दाने हैं। इसके दाने में जिंक की मात्रा 40.40 PPM तक है, यानी कि ये एक बायो फोर्टिफाइड किस्म है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा इंजीनियरिंग के माध्यम से बढ़ाई जाती है। अब ये किस्म कहाँ के लिए, इस पर बात करते हैं। पूसा गेहूं सरबती HI 1665 जो बायो फोर्टिफाइड किस्म है, ये विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में खेती के लिए तैयार की गई है। सीधे तौर पर समझें तो गेहूं की ये किस्म उत्तर भारत राज्यों की तुलना में दक्षिण पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों के लिए तैयार की गई है। बात कि क्या ये साउथ महाराष्ट्र के साथ साथ ही क्या ये साउथ इंडिया में गेहूं का विस्तार है। पूसा गेहूं सरबती HI 1665 की एंट्री क्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में गेहूं का विस्तार है? इस सवाल का जवाब IIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च यानी कि केंद्रीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान के जो क्षेत्रीय केंद्र है शिमला, उसके एमिरेट्स वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष भारद्वाज हाँ में देते हैं। इसको विस्तार से समझाते वो कहते हैं कि पूर्व में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गेहूं की खेती होती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गेहूं की स्वीकार्यता वहां बढ़ी है। डाइट बैलेंस यानी आहार में संतुलन के लिए स्थानीय लोगों के बीच रोटी पराठा की मांग बढ़ी है, इस वजह से गेहूं की मांग में बढ़ोतरी हुई है और किसान गेहूं की खेती करने लगे हैं। कुछ यही हाल पूर्वी भारत का भी है। इसी कारण से पिछले साल गेहूं का रकबा 34 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया था, यानी कि इन राज्यों में गेहूं की खेती बढ़ी तो गेहूं का रकबा भी 34 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। वो बताते हैं कि इन परिस्थितियों में पूसा गेहूं सरबती HI 1665 किस्म को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में गेहूं के विस्तार के तौर पर देखा जा सकता है। क्या दक्षिण भारत में गेहूं का भविष्य उज्जवल है? सवाल का जवाब महाराष्ट्र, जैसे कि मैंने आप बताया कि महाराष्ट्र के साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु में गेहूं के विस्तार को सकारात्मक बताते हुए IIWBR क्षेत्रीय केंद्र शिमला के एमिरेट्स वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष भारद्वाज कहते हैं कि वहां गेहूं का भविष्य उजला, बहुत ही उजला है। वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में के राज्यों में उगने वाले गेहूं के दाने उत्तर भारत के राज्यों में उगने वाले गेहूं के दानों से बेहतर और साफ होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां गेहूं में करनाल बंड रोग नहीं लगता। ऐसे में दक्षिण में गेहूं का विस्तार बेहद ही सही प्लान है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वेस्ट और साउथ में गेहूं विस्तार से सरकार कई निशाने साध रही है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि ये किस्म जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए है, इसमें मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में क्योंकि गेहूं की पहले से ही सरबती किस्में हैं, मध्य प्रदेश पूरा का पूरा सरबती बेल्ट के लिए जाना जाता है। तो क्यों ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गेहूं की खेती का विस्तार करते हुए सरकार एक तीर से कई निशाने साध रही है, इसको हम सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बढ़ती आबादी के लिए गेहूं का प्रबंध यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में गेहूं विस्तार का प्लान सीधे तौर पर बढ़ती आबादी के लिए गेहूं प्रबंध करने की प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। असल में मौजूदा वक्त में भारत में मुख्य तौर पर यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड में गेहूं की खेती होती है। हालांकि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बहुत कम क्षेत्रफल में गेहूं की उपज होती है। इस सूरत में भारत का गेहूं उत्पादन इस साल 1129 लाख टन था, जबकि नीति आयोग का एक आंकड़ा बताता है कि भारत में गेहूं की सालाना खपत 101 लाख टन है और गेहूं की मांग सालाना 15 लाख टन के अनुपात में बढ़ रही है। तो वहीं 1001 लाख टन है तो गेहूं की मांग सालाना 15 लाख टन के अनुपात में बढ़ रही है। तो वहीं भारत दुनिया का बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर भी है। इन स्थितियों में भारत को गेहूं की अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने और एक्सपोर्ट में अपना दखल बनाए रखने के लिए गेहूं विस्तार करने की जरूरत है, यानी कि गेहूं का रकबा बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे मुफीद हैं, क्योंकि यहाँ गेहूं के लिए बेहतर जलवायु है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि एक तीर से कई निशाने साधने वाली, वो वेस्ट और साउथ इंडिया में गेहूं विस्तार प्लान के तहत फसल विविधीकरण भी फोकस है। असल में दक्षिण भारत में राज्यों में गेहूं के लिए बेहतर जलवायु, लेकिन अभी तक वहां पर धान की खेती अधिक होती है। IIWBR क्षेत्रीय केंद्र शिमला के एमिरेट्स वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष भारद्वाज कहते हैं कि राज्यों में किसान एक साल में 3 बार धान की खेती करते हैं। खेत में एक ही तरह की फसल लेने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर भी असर पड़ता है और बीमारियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में धान के बीज गेहूं की एंट्री से किसान और मिट्टी को फायदा होगा। तो ये जो गेहूं की जो किस्म है, ये किस्म अपने आप में सीधे तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गेहूं के विस्तार की संभावना की ओर दर्शाता है, क्योंकि बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, इससे पोषक अधिक होगा, उन राज्यों में गेहूं का रकबा बढ़ेगा, किसानों के बीच वहां गेहूं की फसल को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष तौर पर बढ़ती आबादी के लिए ये जो गेहूं का संकट की चुनौतियां बरकरार बनी रहती है। बेशक गेहूं हमारे पास सरप्लस है, लेकिन हमें एक्सपोर्ट में भी अपना हाथ बरकरार रखना है, दूसरी तरफ हमें भारत जो घरेलू खपत है उसे भी पूरा करना है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक नया विस्तार है, जो विस्तार के साथ साथ ही आबादी का भी ध्यान रखता है, तो दूसरी तरफ फसल विविधीकरण की तरफ भी फोकस होता है। इसमें किसानों के लिए यह है, उन राज्यों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो अगर खेती करेंगे गेहूं की, तो गेहूं उनकी मिट्टी को भी स्वस्थ बनाएगा, तो दूसरी तरफ उनको बेहतर दाम भी वहां पे मिलेंगे। बाकी राज्यों के किसानों के लिए भी इसमें मैं समझता हूँ कि एक सीख है कि बाकी राज्य के किसान जो है वो फसल विविधीकरण पर जोर दें, ऐसी किस्मों की खेती करें या ऐसी फसलों की खेती करें जिनका क्षेत्रफल या जिनका रकबा उनके क्षेत्र में कम है। ऐसे में मिट्टी तो सुधरेगी, लगातार एक फसल विविधीकरण करते हुए दूसरी फसल की एंट्री करने से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, लेकिन बाजार में अगर वो उपज होती है जो अभी तक वहां पे नहीं है, तो उसको बाजार में बेहतर दाम मिलेगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा दूसरी फसलों की तुलना में। हालांकि बाजार खोजना शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे दिखाई पड़ती है। हालांकि ये हमारी छोटी सी कोशिश थी, आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।